मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत खरगोन रोड पर ग्राम जावदा में एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक स्वयं ही मोटरसाइकिल से गिर गया था। किसी वाहन ने उसे टक्कर नहीं मारी थी। मोटरसाइकिल चालक घायल अवस्था में रोड के किनारे पड़ा था, जहां पर ग्रामवासी इकट्ठे हो गए। उसी दौरान उधर से गुजर रहे कसरावत नायब तहसीलदार केसिया सिंह सोलंकी ने जब भीड़ देखी तो उन्होंने भी अपना वाहन साइड में लगाकर जानकारी ली। तत्काल 100 डायल 108 पर फोन लगाया, लेकिन उसी समय खरगोन से जनपद पंचायत कसरावत के रोजगार सहायक संघ अध्यक्ष मनोज पाटीदार, अखिलेश मालवीय, नटवर लाल यादव अपने अन्य साथियों के साथ खरगोन किसी कार्यक्रम से आ रहे थे। उन्होंने जब देखा घायल पड़ा है और नायब तहसीलदार साहब की गाड़ी खड़ी है, वहीं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया तथा घायल को नायब तहसीलदार की गाड़ी से ले जाने की जिद करने लगे। साथ ही उन्होंने घायल को नायब तहसीलदार की गाड़ी में डाल दिया। उसी दौरान कसरावत से एम्बुलेंस आ गई, जिसमें घायल को नायब तहसीलदार की गाड़ी से निकालकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया। इस घटना से रोजगार सहायक काफ़ी नाराज दिखे। वहीं नायब तहसीलदार श्री केसिया सोलंकी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना को देखकर मैं स्वयं वहां रुका था तथा मैंने तत्काल 108 पर सूचना दी। एम्बुलेंस को आने में 10 मिनट का समय लगा, लेकिन इसी दौरान रोजगार सहायक हंगामा करने लगे। जो कि बाद में आए थे, उन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी और शायद शराब पिए हुए थे। उन्होंने घायल को उठाकर मेरी गाड़ी में डाल दिया। किसी की कुछ नहीं सुन रहे थे, बस हंगामा कर रहे थे। जब एम्बुलेंस आ गई तो भी वह मेरी ही गाड़ी से घायल को ले जाने की जिद कर रहे थे। वही रोजगार सहायक का कहना है कि नायब तहसीलदार द्वारा घायल को अपनी गाड़ी से ले जाना चाहिए था मानवता के नाते, लेकिन वह देर कर रहे थे, इसीलिए हमने घायल को उठाकर उनकी गाड़ी में डाल दिया। इस दौरान घायल के बारे में कसरावत अस्पताल से जानकारी दी गई। घायल का नाम निहाल सिंह डावर, पिता रकम सिंह डावर, उम्र 26 वर्ष, निवासी साई खेड़ा बताया गया। घायल को खरगोन रेफर कर दिया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। तहसीलदार महोदय, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, अनजान व्यक्ति का, उसके बाद भी तहसीलदार महोदय ने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी और उसके बाद भी उसको ले जाने को तैयार नहीं थे। उसके बाद सब लोग गांव के लोगों ने विनती करी, ग्राम जावदा के लोगों ने, उसके बाद भी वो ले जाने को तैयार नहीं हुए। यार मैं खेरी गया था, वहाँ पे कोई मर्डर का केस था, तो एसडीएम मैडम ने मुझे वहाँ भेजा था कि भाई मेरे समक्ष में उसका पंचनामा बनाया जाए। उसको लाश को निकाल के मैंने मेनगांव थाने को वालों को भेज दिया कि भाई इसका पीएम होना है। उसके बाद वापस आ रहा था तो जावदा के पास में भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने साइड में गाड़ी रोकी और वहाँ पूछताछ की मैंने, भाई ये क्या हो गया? तो बोले यार ये बोले गाड़ी स्वयं चला रहा था और स्वयं गिर गया, कहीं दारू मारू पिया हुआ हो सकता है। उसके बाद मैंने गाड़ी साइड में रोकी, उसके बाद मैंने कहा यार मैं 100 वालों को डायल कर रहा हूँ, 10-15 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने जो 3 GRS थे, एक और दूसरा था, एक तो विठेर का था, एक गोपालपुरा का था और एक सहायता का था, उन्होंने दारू पी हुई थी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि यार 10 मिनट में आ जाएगी एम्बुलेंस, उस बार रख लेंगे, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में जगह भी रहती है। उन्होंने क्या कर उसे मेरी गाड़ी में जबरदस्ती रख दी, उन्होंने उसको खींचते टांग मांग पकड़ उल्टे सुलटे टांग करके मेरी गाड़ी में रख दिया उन्होंने। उसके बाद एम्बुलेंस आ गई तत्काल, मैंने कहा यार यहाँ जगह नहीं है। उसकी एम्बुलेंस आ गई, उसमें पर्याप्त मात्रा में जगह उसमें रख दो। नहीं बोले इसमें नहीं रखेंगे, बोले तुम्हारी गाड़ी में रखेंगे, अगर नील ले जाओगे तो बोले वहां लगा देंगे। इसके बाद बड़ी मुश्किल से वहां से हम निकाल के एम्बुलेंस में रखा। वहां के जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो ही बोले यार मेरी गाड़ी में रखो, तुम मैंने लेने के लाया हूँ, उसको मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। उसके बाद उन्होंने गाड़ी जलाने की धमकी दी, बोले तोड़फोड़ करो, बोले गाड़ी को और अब चलता व्यवहार किया मेरे साथ। सर चूंकि ये भी सारे सरकारी कर्मचारी थे, फिर उन्होंने ऐसी हरकत की? पिए हुए थे, शराब पिए हुए थे, बदबू आ रही थी उनकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।